हेलो फ्रेंड्स, आज मुझे एक भाई ने पूछा था कि क्या एम्स्टर्डम के कान क्रॉपिंग करवा सकते हैं या विदाउट क्रॉपिंग उसको शो में लेके जा सकते हैं। तो हाँ, बेसिकली आप बिना क्रॉपिंग के भी डॉग को शो में लेके जा सकते हो। बेसिकली उसके लिए आपके जो डॉग के एयर होने चाहिए वो रोज फ्लाई एयर होनी चाहिए। रोज फ्लाई कैसे होते हैं, उसके लिए हमें करनी पड़ती है टेपिंग। तो पहले आपको बताता हूँ कि जो एम्स्टर्डम के पपी होते हैं, नॉर्मली उनके जो कान होते हैं वो ऐसे रखते हैं आगे को। तो हमें जो एयर चाहिए हम उससे बोलते हैं रोज़ फ्लाई, वो कैसे होने चाहिए, वो किस पोजीशन में होने चाहिए, ऐसे ऐसे। आज आपको बताता हूँ कि टेपिंग कैसे करते हैं रोज़ फ्लाई एयर। तो उससे क्या होता है, एक तो पहला प्लस पॉइंट ये होता है, अगर कल को आप क्रॉपिंग करवाना चाहो उससे क्रॉपिंग बहुत अच्छी और प्रॉपर कान स्टैंड होते हैं। जो डॉग्स के होते हैं प्रॉपर स्टैंड में रहेंगे और अपने पोजिशन में रहते हैं ना, तो ऑरिटेडी होंगे क्रॉपिंग अफ्टर। अगर आप नहीं कराना चाहते क्रॉपिंग, तो उसके लिए आपको प्लस पॉइंट ये मिलेगा कि कल को अगर आप डॉग शो में डॉग पार्टिसिपेट करवाए अपने शो को डॉग को, तो क्या होगा उससे कि आपके जो डॉग के ऐसे कान होंगे, तो ये प्लस पॉइंट होता है एम्स्टर्डम में, ये प्लस पॉइंट माना जाता है शो के अकॉर्डिंग। अगर आप डॉग के कान को ऐसे रखोगे तो ये नॉर्मली तो कम होते हैं, इसके लिए हमें करना पड़ता है। तो आज आपको बताता हूँ टेपिंग कैसे करते हैं पूरे तरीके से, फ्रेंड्स देखते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम जो टेप यूज़ करने जा रहे हैं वो टेप जो वो होती है कारपेंटर टेप, जिसको हम पेपर टेप भी बोल देते हैं। ये आपको किसी भी हार्डवेयर दुकान से मिल जाएगी। देखिए, ये नॉर्मली ये टेप होनी चाहिए, नहीं तो आप डॉक्टर टेप भी यूज़ कर सकते हो। बट उसका नहीं कारण क्या है, हमको बोलूँगा मत करो। उसके जो ग्लू होती है वो बहुत ज़्यादा चिपचिप करती है, चिपती नहीं है प्रॉपर, जो वर्क करे चिपके उसको हम मानते हैं। तो ये टेप मेरे अकॉर्डिंग बेस्ट है। तो चलिए आपको बताता हूँ कैसे करनी चाहिए। पहले तो हम टेप का एक छोटा सा पार्ट ले लेंगे ताकि उसकी कान के बराबर आ जाए। इतना सा तो डॉग के एयर कैसे होने चाहिए, देखिए पहले कान को यहाँ पे एक उंगली रखिए ऐसे, ये फ्लाई कर गया। इसके लिए हमें टेप यहाँ से स्टार्टिंग करनी पड़ेगी, पीछे से घुमा के और आगे को लेके आएंगे। ये पोजीशन में हम डॉग के कान ऐसे रखेंगे। आप देख रहे हो कि ये ऐसे बन चुके हैं एयर प्रॉपर उसके उस शेप में। एक पीछे से टेप इसलिए लगाएंगे ताकि वो कुछ दिनों के लिए उसकी शेप में रहे। ये तो अब आपको नेक्स्ट दिखाता हूँ, वो कान भी आपको ऐसे ही टेपिंग करना है इजी तरीके से। यहाँ से उठाइए, उंगली लगाइए, ये पीछे रूम है तो आपको यहाँ टेप लगानी है, पीछे से शुरू करना है और आगे को लेके आना। चलिए, और फिर आपको एक यहाँ से लगा के एक यहाँ तक आपको ऐसे सीधा जोड़ देना, ताकि अब देखिए ये प्रॉपर अपनी पोजिशन में आ चुके हैं। अभी आपको क्या करना है, कुछ दिनों के लिए आपको लगातार 3-4 दिन ऐसे टेपिंग करनी है। पहले स्टार्टिंग करोगे आप 2 घंटे के लिए लगा दो, उतार दो, उसके बाद आप 4 घंटे बाद फिर से ऐसे कर दीजिए, फिर उतार दो। मिनिमम आपको एक पपी को एक दिन में 2 बार टेपिंग करनी पड़ेगी, जिसमें से कि आपको 6 घंटे का गैप देना पड़ेगा और बाकी उसको लगी रहनी चाहिए। इससे डॉग को थोड़ी इरीटेशन भी होती है, जैसे वो कान में कुछ छीलेगा, अपने नाखून से हटाने की कोशिश करेगा या मुँह से भी, तो आप ध्यान रखिएगा ऐसा वो ना कर पाए। तो ये करने के बाद जब उसके कान फ्लाई हो जाते हैं, वो आपको दिखाता हूँ बाद में वो कैसे लगते हैं। चलिए फ्रेंड्स, देखिए ये होते हैं रोज़ फ्लाई एयर, ऐसे हो जाएंगे रोज़ फ्लाई एयर। आपको दिख रहे हैं इस तरह के प्रॉपर आगे कान आए हुए हैं, इसके प्रॉपर एयर आगे को आए हुए हैं। हम इसको बोलते हैं रोज़ फ्लाई एयर। देखिए इस शेप में एम्स्टर्डम बहुत अच्छा लगता है।